हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है आपको? हाँ, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. आवाज आ रहा है बच्चों सबको? आवाज आ रहा है क्लियरली? आवाज आ रहा है क्लियरली? प्लीज मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज कर दो. ओके सर, ओके. क्लियरली आ रहा है आवाज आपको? क्लियरली आ रहा है सबको? ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट आवर सेशन देन? आवाज क्लियरली आ रहा है ना, तो सेशन स्टार्ट कर सकते हैं फिर. ओके, चलो, ग्रेट, नो इश्यू. ठीक है, हाय एवरीवन, हाय. ओके, चलो, ठीक है. देखो, मेनली था कि आज से हमारा रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा था, जैसे मैंने 2 दिन पहले का जो सेशन हुआ था उसमें बताया था. ठीक है ना? ठीक है, 2 दिन पहले मैंने बताया था कि हम आज से क्लासेस स्टार्ट करें, रिवीजन बैच. रिवीजन बैच में मेनली हम मैथ्स एंड आपका जो रीजनिंग है, मैथ प्लस रीजनिंग का पार्ट कवर करने वाले, और मेनली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस. फास्ट फास्ट में थ्योरी पार्ट है. तो देखो, जो लोगों ने कोर्स लिया हुआ है उनको वापस बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है लेक्चर से पहले. जैसे अभी अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा पूरा एक बार उससे रिवाइज कर देना है. ठीक है, 130+ जो लेक्चर है आपके पास, वो आपको पूरे रिवाइज करना है. वहां पे आप एक बार रिवाइज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट फास्ट में समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें इस सेशन में कवर करवाना है, सो दैट कि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी. जो आपको 131+ जो लेक्चर्स दिए हुए हैं उसमें से आपको एक बार थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है, सो दैट यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस फास्ट हो जाएगा. ठीक है, अभी देखो, मैथ्स का प्रैक्टिस अगर आपने अभी स्टार्ट किया हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको क्या करना है, 3 चीजों पे फोकस करना है, राइट, ट्राई एंड प्रैक्टिस. ठीक है, तो पहली चीज तो राइट एंड नॉट द रीड मैथ्स. ठीक है, मैथ्स को रीड करके नहीं करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को लिख के रखो, उसके बाद फॉर्मूलाज लिखो, उसको याद करने का ट्राई करो. सेकंड चीज कि वो जो फॉर्मूलाज है उनको अप्लाई करने का सीखो. ठीक है ना, और जो ट्रिक्स है वो अप्लाई करना सीखो. जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ट्रिक्स है और शॉर्टकट ट्रिक्स है, उनको अप्लाई कैसे करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रैक्टिस इज की, प्रैक्टिस के सिवा कुछ और आपके पास ऑप्शन नहीं है. प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ज्यादा चाहिए. जितना आप अगर आप लास्ट में प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर बेटर होने वाला है, ये भी चीज का आपको ख्याल रखना है. ठीक है, चलो, ठीक है, अभी आगे कर चलते हैं. आज का टॉपिक जो अलजेब्रा वो स्टार्ट करते हैं. जस्ट 1 मिनट, चेंज द क्वालिटी. ठीक है, अभी पहले जो आता है, सबसे पहले अभी फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा, जैसे एक्सपांशन फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला हो गए, गुड़मास हो गए, तो जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इंडाइसेस भी ये बेसिक्स में ही आता है. ठीक है ना, आपको बहुत जगह इसका नॉलेज चाहिए होगा, बट डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. लॉगरिथम पे 2020 में क्वेश्चन आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक में 2020 एंड 2021 में, हर दोनों साल में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, उसके बाद बायनोमियल थ्योरम पे लास्ट ईयर भी नहीं आया था और उसके पहले भी नहीं आया था. ठीक है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करोगे जो आपको करना है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज द वन, उसको आपको करना ही करना है. ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक आपको करना ही है, इसके सिवा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट ईयर भी 3-4 क्वेश्चन आए थे और 2020 में भी इसके क्वेश्चन आए थे. ठीक है, तो हम सब टॉपिक्स के 2-2, 4-4, 5-5 जितने भी पॉसिबल है डिपेंड ऑन टॉपिक वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले. ठीक है, अभी पहला जो आता है आपका बोर्ड मार्क्स करके, बोर्ड मार्क्स का लॉन्ग फॉर्म आपको पता होगा. ठीक है, थ्योरी कवर करवा रहे हैं हम थोड़ा, तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नॉर्मल कोई भी कैलकुलेशन में ये सीक्वेंस जो है ना फॉलो होता है. ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाते. मैं चेक करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 डिवाइड बाय 5 × 5 + 5 − 5. बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे फिर. ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. एक बार ट्राई करके बताओ एवरीवन, आ रहा है ये क्वेश्चन आपको? बन जाएगा, सिंपल सा है ना, बनना चाहिए. ठीक, देखो पहले इधर डिवीजन होगा, ये 5 डिवाइड बाय 5 1 हो जाएगा, तो 1 × 5 + 5, यहाँ पे −5 है, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा. फिर 5 + 5 − 5, फिर 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 − 5, तो आंसर कितना आना चाहिए, 5. यस, वेरी गुड चेतन, वेरी गुड. ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है बहुत. तो ये बोर्ड मास होता है, ये आपको पता होना चाहिए.
दिस आर सम फॉर्मूलास विच आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो, जिसमें से जो टिक कर रहा हो ध्यान रखना, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, उसके बाद ये वन, फोर्थ वन, उसके बाद जो डायरेक्टली नाइन्थ एंड टेंथ वाले जो है, इलेवंथ एंड ट्वेल्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको भी याद कर सकते हो। इसमें और एक आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे ये वाला देखो, एक्स एक्स रेस टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये स्टेटमेंट भी होता है कि जितने रूट्स होते हैं उतनी बार वो इक्वेशन क्या करता है, एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। अगर दो रूट से तो दो बार कट करेगा, तीन रूट से तो तीन बार कट करेगा, अगर चार रूट से तो चार बार करेगा। जैसे देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने सपोज एक ग्राफ निकाला ये वाला, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट हो रहा है, एक दो तीन चार, तो वी कैन से दैट इट हैज फोर रूट्स, इट हैज फोर रूट्स। क्लियर एवरीवन, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसके दो रूट्स आते हैं, उसके बीच में रिलेशन एंड ऑल वो भी हम आगे देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बस इसमें है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, ये चीज है। अभी देखो रूट्स निकालने के मेनली तीन मेथड्स होते हैं, एक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, उसके बाद फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फैक्टराइजेशन भी आपको पता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आप स्कीप करोगे तो भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो देखो जैसे ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने, तो ये पता है आपको कि सिक्स जो होते हैं उसके फैक्टर्स निकालोगे आप टू इंटू थ्री, जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, फाइव आना चाहिए, तो ये बन जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो आप दोनों में से कॉमन निकालते हो एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस थ्री, प्लस टू कॉमन निकालोगे तो बन जाएगा एक्स प्लस थ्री, तो दोनों में से वापस एक्स प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा, सही कर रहा हूँ, और बचेगा क्या एक्स प्लस टू इक्वल्स टू क्या हुआ जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू आएगा माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। वही फॉर्मूला मेथड से क्या आएगा आपका, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, बस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो b मेरा माइनस फाइव है, देखो b क्या है मेरा माइनस बी प्लस फाइव है, एक्चुअली ए वन है, और c कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है, कंपेयर करो इस पे, ठीक है ना, कंपेयर करके बताओ ये क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इंटू वन इंटू सिक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टू इंटू वन, तो प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस कितना हो जाएगा मेरा, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय टू, तो आ रहा है माइनस फाइव प्लस माइनस वन डिवाइड बाय टू, तो ये बन जाएंगे आपके माइनस टू माइनस फाइव प्लस वन माइनस फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू है, और यहाँ पे भी डिवाइड बाई टू है, तो ये आ जाएगा माइनस टू और ए माइनस थ्री। तो डाउट इसमें सिंप्लीफाई करके दो रूट्स बन रहे आपके, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड ऐसा है कि अगर आपको फैक्टराइजेशन भी नहीं आ रहा है तो आप इससे आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आराम से इससे बन जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आप यू कैन ऑलवेज यूज द फॉर्मूला मेथड, ठीक है। आगे चले फिर, ये वाला दिया हुआ है देखो, यहाँ पे देखो ये वाला सब पार्ट्स डिटेल में हो चुका है थ्योरी में, इसलिए बस यहाँ पे फास्ट में होगा, आपको वहां से पूरा डिटेल में कवर करवाना है, और यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेन एम है, तो थ्योरी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। देखो अभी डिस्क्रिमिनेंट की बात है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डेल्टा से डिनोट किया जाता है या डी से भी डिनोट किया जाता है, फिजिकल टू क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर एस। तो देखो डी का क्या होता है, डी क्या बताता है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या डेल्टा क्या बताता है, अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आपका डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इट हैज टू डिफरेंट रियल रूट्स, कितने रूट्स है, दो रियल रूट्स है। डी इक्वल्स टू जीरो है तो ओनली वन रियल रूट है, और डी लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स है। अभी जस्ट मैंने बात की थी कि जितने रूट्स है, ध्यान देना, जितने रूट्स है उतनी बार कर्व जो होता है या इक्वेशन जो होता है एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है, अभी बताया था मैंने, याद है। अगर देखो एक्स एक्सिस है, ये कितनी बार कट कर रहा है, एक दो तीन, सो इट हैज थ्री रियल रूट्स, इट हैज थ्री रियल रूट्स, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी देखो ध्यान देना सिंपल सी, यहाँ पे बता रहा है टू डिफरेंट रियल रूट्स है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, ऑफ कोर्स दो बार, ठीक है। उन्होंने बोला है कि टू इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स मतलब एक ही रूट होगा, तो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, ये बस टच करके जाएगा, और लास्ट में क्या बोला हुआ है, डेल्टा लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट्स, ना एक्स एक्सिस को। हाँ शुभम अवेलेबल है अभी बेटा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को ना कट करेगा ना टच करेगा, तो ये तीन केसेस बनेंगे। और एक बताया हुआ देखो, ये भी थोड़ा आप समझ लोगे तो बेटर है, कि उन्होंने बोला है कि डेल्टा अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, डेल्टा अगर क्या रहेगा परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रैशनल, रूट्स क्या बन जाएंगे उस केस में, रैशनल बन जाएंगे। वो भी सिंपल सा कंसेप्ट है, आप अगर वहां पे देखोगे, देखो
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, डी होता है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर कुछ ना कुछ टर्म आएगा, इट विल बी सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाई होगा तो क्या आएगा, रूट्स क्या बन जाएंगे, रैशनल बन जाएंगे। और डिटेल में कंसेप्ट दिया हुआ, जैसे डी मान लो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर मतलब दिया हुआ है, जैसे फोर हुआ, नाइन हुआ, सिक्सटीन हुआ, तो ऑफकोर्स इसके बाहर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट्स व्हाई उन्होंने बताया हुआ है रूट्स आर रैशनल। रैशनल आपको पता होगा पी बाय क्यू फॉर्म को क्या बुलाते हैं, रैशनल बुलाते हैं, याद होगा ना। ठीक है, आगे चलते फिर अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये दो तीन कंसेप्ट है जहां पे आ सकता है। ये वाला एक कंसेप्ट विल बी बहुत बेसिक बेसिक है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है, बट यही यूजफुल होता है, बच्चे इसी को इग्नोर करते हैं, इसकी वजह स्कोर नहीं कर पाते। माइनस फोर बाय थ्री हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा फाइव बाय थ्री। क्लियर है, यहां तक समझा सबको? ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है, बट इनको ही करना है आपको अच्छे से, इससे ही आपका स्कोर आएगा। उसके बाद देखो, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए होंगे, इफ दे हैव सेम रूट्स, कॉमन रूट्स बोलते हैं उसको जनरली, इफ दे हैव कॉमन रूट्स देन ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो जैसे इसके और इसके रूट्स निकाल के बताओ, एक मैं बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालो, दो रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, इसके भी रूट्स निकालो, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो, इसके भी रूट जो आएंगे अल्फा बीटा निकालो। आपको एक नोटिस होगा चीज की, देखो इसके जो रूट्स आ रहे हैं ना, ये ऊपर वाले इसके जो रूट्स आ रहे हैं और इसके जो रूट्स आ रहे हैं, बोथ रूट्स विल बी द सेम। आप चाहो तो बाद में फाइंड आउट करके देखो, दोनों के रूट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आप देखो दोनों के रूट सेम है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वन बाय फाइव आ रहा है। ठीक है ना, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो रहा है, थ्री बाय फिफ्टीन हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, टू बाय टेन, मतलब थ्री वन जा थ्री फाइव जा टू वन जा टू टू फाइव सॉरी टू वन जा टू फाइव जा, सही है ना। तो ये हो रहा है वन बाय फाइव एंड वन बाय फाइव, तो तीनों तीनों क्या बन रहा है, वन बाय फाइव वन बाय फाइव वन बाय फाइव, सही है। मुन्ना कोर्स का फी अभी 3000 है, जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा और ये रिवीजन बॉयज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, जिसके लेक्चर जूम पे होंगे, पहला लेक्चर बस यूट्यूब पे हो रहा है, यूट्यूब पे थोड़ा लैग होता है 15-20 सेकंड का, जूम पे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो और वहां पे तुरंत मतलब हार्डली 2-3 सेकंड का लॉग होता है। ठीक है, लैग होता है। चले फिर आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बच्चे इसमें अटक जाते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के इसमें कवर किया हुआ। ठीक है, ध्यान देना, देखो सिंपल सी बात है, कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देना, थोड़ा समझ जाओगे आप। मान लो उन्होंने बोला कि अल्फा बीटा, क्वेश्चन समझ लो पहले, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। ठीक है, अल्फा बीटा फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट्स क्या बोले उन्होंने, अल्फा बीटा। उन्होंने बोला कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा। दो तरह से किया जा सकता है, सीधा सीधा क्या करो आप कि ये एलसीएम निकालोगे, बीटा प्लस अल्फा सब लगा दो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये होता है सेवन बाय ए, फोर फोर कैंसिल होकर कितना आएगा, माइनस थ्री बाय फोर। ठीक है, ये वाला हो जाता है, यहां तक क्लियर है। समृद्धि नए टेस्ट में नहीं होगा, वो पिछले साल के टेस्ट थे इसलिए उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मैंने वो तो बताया था आपको ऑलरेडी, कल के लेक्चर में बताया था। ठीक है ना, जो नए टेस्ट ऐड हो रहे हैं उसमें 10 मार्क्स उसमें नहीं रहेगा, और जो अभी नए ऐड किए उसमें भी हमने नहीं किया था। ठीक है, जो पुराने टेस्ट थे उसमें हम नेगेटिव मार्किंग ऐड हो चुका है ऑलरेडी, उसकी वजह से वो दिखा रहा है वहां पे। ठीक है ना, बट अभी जो नए मार्क्स होंगे उसमें नहीं रहेगा ये वाला चीज। बट अभी एक चीज क्या कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसे रूट चाहिए, देखो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन क्या बना दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान देना थोड़ा, व्हिच हैज रूट्स which has roots one upon alpha and one upon beta, transformation दिख रहे, देखो alpha beta की जगह roots क्या चाहिए हमें, one upon alpha and one upon beta चाहिए, same transformation दोनों जगह। तो आपको क्या करना, देखो one alpha and alpha की जगह x लिख देना है, तो alpha equals to क्या हो जाएगा, one by x, exchange कर दे देखो दोनों को। ठीक है, मतलब जहां जहां x दिखेगा ना यहाँ पे उसकी जगह one by x put कर दो, question में क्या जहां जहां x है उसकी जगह क्या put कर दो, one by x। शुभम अभी के लिए तो 2 दिन के लिए रखा है हमने, उस टाइम पे अभी देखा जाएगा, एज ऑफ नाउ नहीं बता सकता मैं आपको कुछ। ठीक है ना, ये बन गया, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से,
ये बन जाएगा 4 + 3x + 7x² = 0। तो 7x² + 3x + 4 के जो रूट्स आएंगे दैट विल बी 1/α n 1/β। तो इधर से भी देखो, अगर एडिशन ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ ना, एडिशन ऑफ रूट्स दैट विल बी क्या होता है, -β/a। -3/ क्या बना, और एक मिनट, 7x² 1 है, यहाँ पे भी 3/7 कितना बना, -3/7, और यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है, -3/7। समझ गए? तो यहाँ से भी कर सकते हो या डायरेक्टली भी आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते थे, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे और एक कंसेप्ट बता दो इसमें, देखो ध्यान देना, अगर उन्होंने बोला कि देखो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 4x² + 3x + 7 = 0, इट हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज रूट्स α+3 एंड β+3। समझ में आ रहा, दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेम है, ठीक है। क्यू स्टडी ऐप है, सबको पता होगा क्यू स्टडी ऐप जो है, किसी को परचेस करना है क्यू स्टडी ऐप पे जाके आप डायरेक्टली जो कंप्लीट कोर्स है 6000 प्राइस दिखा रहा होगा, वहां पे ड्रीम एमसीए करके कोड लगाना है आपको, ठीक है, ड्रीम एमसीए करके कोड लगाना है, प्राइस हाफ हो जाएगी उसकी, 50% ऑफ है, आप वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने 2 दिन में परचेस किया हुआ है, ऑलरेडी 250+ स्टूडेंट है, ठीक है ना। यस, सेशन रोज होंगे, ओमकार सेशन मैथ्स एंड रीजनिंग के सेशन होंगे, जिसका टाइम टेबल जो पेड स्टूडेंट है उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। आज का सेशन बस लाइव होगा। तो देखो α+3 एंड β+3 दोनों में मैं कॉमन चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं देखो α+3 को क्या पुट करूंगा, अगेन x पुट करूंगा, α क्या हुआ 3 माइनस एक्स, यहाँ पे लाग, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा आपको, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 15 सेकंड के बाद आंसर करोगे। तो देखो जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अभी 3 माइनस एक्स, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 × 3 - x + 7 = 0। ये सॉल्व करके जो आएगा उसके रूट्स क्या रहेंगे, α+3 एंड β+3, सही है। चलो एक क्वेश्चन पूछ ले, तो अगर मान लो मुझे रूट्स क्या चाहिए होते हैं, अगर मुझे ये रूट चाहिए होते α-5 एंड β-5, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करता बताओ, मैं x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करता, रुक जाता हूँ, चलो देखते कितने लोग बता पाते, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करता, इफ आई वांट रूट्स α-5 एंड β-5, एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, जल्दी बोलो, x विल बी रिप्लेस बाय, जल्दी जल्दी बोलो। देखो सेम चीज है ना, इक्वल्स टू α-x जो लेना है, α-5 इक्वल्स टू क्या आ जाता, x आ जाता, नहीं α-5 x हो जाता, तो α = क्या होगा, x + 5, जो भी अल्फा की वैल्यू हो सब्स्टिट्यूट होती है, हमेशा याद रखना, जो भी अल्फा की वैल्यू हो वो सब्स्टिट्यूट होती है, मतलब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, x + 5, -5 है तो +5 सब्स्टिट्यूट होगा, +3 है तो -3 सब्स्टिट्यूट होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x + 5 का स्क्वायर + 3 × x + 5 + 7 = 0। इसके रूट्स क्या आएंगे आपके, α-5 एंड β-5। श्रुति थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना बेटा, देखो उल्टा सब्स्टिट्यूशन करना है, उल्टा सब्स्टिट्यूशन, +5 है तो -5 करना है, सही है ना, +5 है तो क्या करना है, -5 करना है, +3 है तो माइनस, देखो जैसे α+3 है तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तुम, x - 3, जैसे रूट तुम्हें चाहिए मान लो α+10 तो सब्स्टिट्यूट क्या करोगे तुम, x - 10 पुट करोगे। समझ में आ रहा है सबको, सपोज मान लो आपको रूट चाहिए α+4, आप पुट करोगे x - 4, got it now everyone, क्लियर हुआ क्या ये चीज, तब जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उल्टा सब्स्टिट्यूशन करना, जो बोला है उसके अपोजिट, ठीक है, x बोला, अगर उन्होंने x² बोला होता तो आप क्या पुट करते, रूट x पुट करते, स्क्वायर होगा तो रूट करोगे, प्लस होगा तो माइनस करोगे, got it now everyone। यस मुन्ना लाइव सेशन रहेंगे, सेम सेशन ऐसा ही होगा, बस लाइव जूम पे होगा, ये बता रहा हूं मैं आपको, बस यही सेशन होंगे, बस जूम पे होंगे लाइव, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ इंडाइसेस, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, दैट ऑल वी नो, ठीक है ना। यस वेरी गुड, यस गणेश, देखो सिंपल क्या होता है, कंसेप्ट ये है, आप जो भी वैल्यू ना, देखो उन्होंने α² + 3 बोला होता है, तो इसको क्या पुट करोगे आप, x पुट करोगे, तो α = क्या हो जाएगा मेरा, α² = क्या आएगा, x - 3, α = क्या आएगा, √x - 3,
जो भी अल्फा आएगा वो सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी अल्फा होगा वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये चीज होता है गणेश। कुछ भी आने दो अल्फा फिर सॉल्व करके, अगर उन्होंने बोला होता कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 3 रूट चाहिए, इक्वल्स टू क्या पकड़ लो x पकड़ लो, रेसिप्रोकल ले लिया, अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हुआ 1 बाय x, अल्फा इक्वल्स टू कितना है 1 बाय x माइनस 3, तो अल्फा की जगह मतलब सब्स्टिट्यूट क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 3 सब्स्टिट्यूट होगा, ये चीज है। जो भी बोला है उसको x पकड़ के सिंप्लीफाई करो अल्फा के लिए, जो भी अल्फा आएगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ x, इन द x की जगह वो सब्स्टिट्यूट होगा आपका। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? माइनस एम होगा तो नीचे आके प्लस एम हो जाएगा, ये ए रेस्ट पावर एम एन हो जाएगा, इसको भूल जाओ तुम्हें, ठीक है ना। पावर का पावर होगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो अलग अलग पावर हो जाएगा, सही है। मुन्ना बेटा मैथ्स एंड रीजनिंग का रिविजन है, ऑलरेडी सेशन जो बैच हुआ था उसके लेक्चर्स आपको दिए गए हैं पूरे रिकॉर्डिंग, इसमें हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं पूरा कवर, मतलब पूरे जितने भी टॉपिक्स पे उस पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो आपको पूरा ही कवर होगा, ठीक है ना। हाँ अल्फा की वैल्यू एक्स से जाके, वेस गणेश वेरी गुड, अल्फा की वैल्यू एक्स से जाके। नेक्स्ट लॉगरिथम जो होता है, देखो अभी ये जो लिखा हुआ है आपको 3² इज इक्वल टू मान लो 9 है, ठीक है, 3² इज इक्वल टू 9 है, इट इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंशन है, मतलब एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस जो ये जो एक्सप्रेशन इसको क्या बुलाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको क्या बुलाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि इसको अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ, देखो लॉग ऑफ, आपको भी पता है इसको बेस बुलाते हैं, इसको एक्सपोनेंट बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट, याद होगा ना, दिस इज कॉल्ड एज अ बेस। देखो इसको चेंज कैसे कर रहा हूँ, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, बेस में आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ध्यान देना वापस, लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा 2 हो रहा है, इक्वल टू क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज अ लॉगरिथमिक फॉर्म, क्या बोलाते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो इज इक्वल टू एक्स लिया तो लॉगरिथमिक था, तो 4x2 इक्वल टू क्या हुआ 16, 4x2 इक्वल टू कितना आएगा 4 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर इक्वल टू करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे ये वाला देखो लास्ट वन पे फोकस कर रहा हूं मैं, क्या दिया हुआ, जैसे देखो लॉग ऑफ 81 टू द बेस 1/3 इज इक्वल टू x दिया हुआ है, 81 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3 का रेस्ट पावर x, तो 81 इज इक्वल टू कितना होगा 3 रेस्ट पावर माइनस 1 का रेस्ट पावर x, रेस्ट पावर 4 होता है 81 मतलब 3 रेस्ट पावर 4, 3 रेस्ट पावर 4 होता है, रेस्ट पावर माइनस 6 पावर का पावर है ना, तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 4, x इक्वल टू क्या आएगा आपका माइनस 4। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है ना। सेम चीज आप ये बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो बीसीडी, तो इससे आपको लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम देखो क्या ये वाला ले रहा हूँ मैं, सपोज देखो लॉग बेस 5 और यहाँ पे कितना दिया 1/125 इज इक्वल टू एक्स माना है सपोज, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या हो जाएगा 1/125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5^x, क्या हो जाएगा 5^x, तो ये 1/125 जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो 1/125 जो है दैट इज अ 5³ इज इक्वल टू 5^x, ऊपर जाके क्या हो रहा है 5^-3 5^x, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 3। ये सिंपल सा लॉजिक लगा रहा है इसमें, बाकी कुछ नहीं। क्लियर हुआ एवरीवन? यस वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड, ठीक है आगे चलते हैं। अभी दिस आर द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ लॉगरिथम, द फर्स्ट वन इज अगर मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म्स है तो यू कैन राइट लॉग ऑफ m टू द बेस a, लॉग ऑफ m टू द बेस a, ठीक है। log of m upon n to the base is equal to क्या होगा log of m to the base a minus log of n to the base a, मतलब division में होता है तो subtraction में आएगा। अभी जो power है वो आगे multiply हो जाता है, n आगे multiply होगा, ये rule भी आपको शायद से पता होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे base m to the base a, तो change of base theorem बोलाते हैं इसको, क्या बोलाते हैं change of base theorem, तो आप चाहो तो दोनों जगह same base ले सकते हो, log of m to the base b log of a to the base b। देखो सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि आप जो सेशन कर रहे हो तो उसके पहले जो हमारे रिकॉर्डिंग्स ऐड किए गए वो आपको एक बार देखने चाहिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक रूल को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे रिवीजन लेक्चर तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं होगा। यस यस गणेश, नॉर्मल सा लॉज ऑफ इंडाइसेस हो, ठीक है ना लॉ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन रूल देखो यहाँ पे, बी और बेस ए, तो ये जब रेसिप्रोकल में जाएगा तो ए टू द बेस बी हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, जैसे लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 होगा तो m1 आएगा, log of 10 to the base 10 होगा तो 1 आएगा, ठीक है। log 1 क्या होता है 0 होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होता है, बेस जो होता है वो आगे डिवाइड होता है, इसलिए n by m आगे आके
उधर बचा हुआ है log of b to the base a बचा रहा है, ठीक है, log of b to the base a बचा रहा है, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। ये रूल्स हमने एक्सप्लेन किए हुए बहुत अच्छे से, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा वहां पे उनको थोड़ा इजी जाएगा, ठीक। जैसे वाला क्वेश्चन देखो, अभी दोनों साइड में log 4 है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन वहां पे किए हुए कवर, तो ज्यादा डिटेल में नहीं दे रहा हूं मैं। x square minus 2x is equal to क्या हो जाएगा 5x minus 12, दोनों साइड का log हटा के x square minus 7x plus 12 equals to 0, factorization क्या हो जाएंगे बच्चों x minus 4 x minus 3 equals to 0, तो x equals to क्या आएगा आपका 4 comma, clear है। सेम चीज है आपका भी देखो, log of क्या हो जाएगा आपका x into x plus 3, a into b ना, log a plus log b क्या होता है, log a into b, इस साइड में log of क्या आ रहा है 20 minus 5x, ln मतलब log ही होता है, याद रखना ln मतलब क्या होता है log of base e होता है, इसका base fix है, that will be base e, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x square plus 3x is equal to 20 minus 5x, तो ये उधर shift हो गया, हो जाएगा x square plus 8x plus minus 20 is equal to 0, ठीक है, उधर जाके plus 8x, तो 20 के factorization क्या होंगे 10 to the I think, ठीक है, x minus x plus 10 x minus 2 equals to 0, तो x equals to कितना आ रहा, minus 10 है plus 2, अभी उसमें जो minus 10 है वो acceptable नहीं है, ऐसा क्यों, कोई बता पाएगा मुझे, minus 10 जो होगा answer नहीं रहेगा, only answer will be plus 2, can anyone tell me कि minus 10 answer क्यों नहीं होगा, लिख पाएगा, yes दर्शन, ये पूरे जो आपके app है इसमें पूरे as it is add हो जाते हैं, इसमें actually बाद में देखो, ये जो part है तो मैंने जो लेक्चर से उसमें ही कवर करवाया हुआ है, तो ये तो स्टार्टिंग के पीडीएफ आपको सेम ही रहेंगे, बट बाद में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हुए इसमें, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, तो लॉग को नेगेटिव इनपुट नहीं दे सकते, लॉग ऑफ माइनस 10 पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पे लॉग एक्स एन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए माइनस वैल्यू यस गणेश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो प्लस 2 आंसर रहेगा, माइनस 10 नहीं रहेगा। लॉग का जो है ना बेसिक डेफिनेशन ऐसा है कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस अगर ए, तो तीन कंडीशन है, एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये वाला, सेकंड है कि मेरा जो बेस है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, थर्ड केस है कि ए जो है मेरा वन नहीं हो सकता, बेस जो है मेरा कभी वन नहीं हो सकता, ये तीन बेसिक कंडीशन लॉग को फॉलो करनी चाहिए, तभी जाके वो आंसर दे पाएगा, वो वैल्यू एक्सेप्ट कर पाएगा, सिंपल सी बात है। चले आगे फिर, यस लॉग में लॉग का आंसर निगेटिव हो सकता है, लॉग को जो इनपुट दे रहा है वो निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रोग्रेशन में, प्रोग्रेशन में मेनली चार टॉपिक आते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक एंड अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक, ठीक है ना, तो ये चारों टॉपिक्स है। देखो जिसमें से एपी होता है तो एपी आपको पता ही है, ठीक है, एपी मतलब क्या होता है, जहां पे जो सिक्वेंस है वहां पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो 2, 4, 6, 8, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, नेक्स्ट टर्म 10 होगा, 12 होगा, तो डिफरेंस जो है इट इज डिनोटेड बाय डी, जो कि कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए। तो इसमें देखो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है ए ए माइनस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, तो यंत्र टर्म जो होगा क्या होगा आपका ए प्लस एन माइनस 1d, यंत्र टर्म क्या आएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1d, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, और सम का फॉर्मूला होता है एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1d, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम निकालना है, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस होगा। इसका और एक फॉर्मूला जो होता है ये सेकंड वन आएगा, एन बाय टू ए प्लस एल, दैट इज ए इज द फर्स्ट टर्म इन एल इज द लास्ट टर्म, एल फॉर लास्ट टर्म, क्लियर है एवरीवन। नेक्स्ट वन टी एन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, अब इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी सेम है, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले समझ लो, ऊपर के केस में क्या था आपका, नहीं हुआ दर्श, दर्श जूम पे होंगे, वापस बता रहा हूँ जूम पे होंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है पेड व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप ऐड हो जाओगे, वहां पे लेक्चर्स होंगे, ठीक है, जूम व्हाट्सएप पे थोड़ा लैग होता है ना, यूट्यूब पे थोड़ा लैग होता है ना, वो प्रॉब्लम है, ठीक। तो एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सिक्वेंस की बात कर रहे थे, तो पहले बात सुन लो, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है ना उसमें रेशियो कॉन्स्टेंट हो जाता है, जैसे देखो 3, 6, 12, 24, देखो 6/3 क्या आएगा 2 आएगा, 12/6 भी कितना आएगा 2 आएगा, 24/12 भी कितना आएगा 2 आएगा, तो कॉमन मतलब सक्सेसिव जो टर्म्स है एक के बाद एक आने वाले टर्म्स, सक्सेसिव टर्म्स मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका
ए आर रेस्ट पावर एन माइनस ए आर रेस्ट पावर क्या होता है एन माइनस वन, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। एस एन के दो फॉर्मूलाज है, अगर आर ग्रेटर देन वन है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, आर लेस देन वन है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। उसमें यस इंफिनिटी का भी एक फॉर्मूला है, दैट इज ए डिवाइड बाय वन माइनस आर। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आर जो आपका मस्ट बी लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, यहाँ पे लिखा भी है आर अगर माइनस वन टू वन के बीच में रहेगा देन ओनली यस इंफिनिटी का फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो यस इंफिनिटी का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ये तीन ही फॉर्मूलाज है इसमें, बाकी कुछ याद नहीं करना आपको। ये डिटेल में हमने लेक्चर्स में लिया हुआ है तो आप वहां से चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखो, ध्यान देना है आपने, 2, 4, 6, 8 किसमें आएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे, राइट। 2, 4, 6, 8 विल बी इन एपी, सही है ना, दिख भी रहा है आपको 2, 4, 6, 8 एपी में। तो 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8 विल बी इन एचपी, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद जो टर्म्स आएंगे दे विल बी इन एचपी, सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। एचपी का रेसिप्रोकल लेते तो जो टर्म्स आते हैं दे विल बी इन एपी, दे विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये बेसिक रूल है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, 2, 3, 4, 5 एपी में, उनका रेसिप्रोकल किसमें हो गए, एचपी में हो गए, समझ गए। यहां तक किसी को कोई डाउट, नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है √a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन का √ab, हार्मोनिक मीन का (2ab/a+b), ठीक है ना। और एक रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन, ए फॉर अर्थमेटिक मीन, एच फॉर हार्मोनिक मीन, ये इनके कंसेप्ट है, शायद से बताओ आपको। एचपी में डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं है गणेश, देखो एपी में डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है, एचपी क्या होता है, जो एपी है उसका रेसिप्रोकल। जैसे देखो 3, 6, 9 एंड 12 ये तुम्हारा क्या हुआ, एक एपी हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, एपी हुआ। तो 1/3, 1/6, 1/9 एंड 1/12 विल बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एचपी हो जाएगा। क्लियर है, अभी ये एपी आ रहा है तो ये एचपी हो रहा है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, ए इनटू एच हो रहा है, समझ गए। चले फिर आगे, ये रिलेशन से कुछ ये जो आपको याद करने, ठीक है ना, ये भी कुछ फॉर्मूलाज है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होता है दैट इज एन इनटू एन प्लस 1/2 वेयर एन इज द लास्ट टर्म, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन इनटू एन प्लस 1 इंटू, यहाँ पे चेंज करके लिख रहा हूँ, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6। द लास्ट वन इज क्यूब का, अगर मैं ले रहा हूँ एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 उसका क्या होगा, ब्रैकेट स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम में मैंने लेक्चर्स में बता दिया था आपको, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो थ्योरी पार्ट बहुत फास्ट ले रहा हूँ बिकॉज एक्सपेक्टेड ये कि आप ऑलरेडी जो 10-12 लेक्चर्स है अलजेब्रा के आप वहां से डिटेल में कवर करवाओ, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो रिवीजन बैच का मेन एम हमारा क्वेश्चंस लेना ही है, अगर थ्योरी में हम अगर 4-5 लेक्चर वेस्ट करेंगे तो हम क्वेश्चंस को टाइम दे नहीं दे पाएंगे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा बिकॉज बहुत सारे नए लोग भी इसमें, इसलिए मैंने आज थोड़ा बहुत थ्योरी ऊपर ऊपर से कवर करवाया, बट ज्यादा डिटेल में थ्योरी आपको लेक्चर के सेशन में मिलेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने कवर करवाया वहां पे, ठीक है। x प्लस वाई का एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है ना, ये NCK है यहाँ पे, एक्चुअली NCK है, ठीक है ना, मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TN+1 या TR+1 इज इक्वल टू NCR x रेस्ट टू पावर n माइनस r y रेस्ट टू पावर r, ठीक है, ये याद रखना है आपको जनरल टर्म के लिए, ठीक है, ये जनरल टर्म के लिए आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ पे लिखा भी है NCR या x रेस्ट टू पावर n माइनस r एंड y रेस्ट टू पावर। ये सब फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाहर का कुछ नहीं है, ये फॉर्मूलाज बस आपको साथ में रखने, मतलब याद करने आपको साथ में रखना, मतलब ठीक। कुछ रिजल्ट्स भी है, देखो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स पता है हमको, देखो कोई भी एक्सपेंशन होता है ना, देखो ध्यान देना आप, इसका एक्सपेंशन आता है NC0 एक्स रेस टू एन, ठीक है, एक मिनट, उसके बाद आएगा NC1 एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन माइनस वन NC2 x raised to n minus 2 y square and so on, last में क्या आएगा NCN x raised to power 0 y raised to power क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसमें जो होते हैं ना NC के टर्म,
कॉम्बिनेशन के NC0, NC1, NC2, NCN आर कॉल्ड एज द बायोनॉमियल कोएफिशिएंट्स, आर कॉल्ड एज अ बायोनॉमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट वही है, द सम ऑफ बायोनॉमियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है, 2:n होता है। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट आएंगे आपको, इसमें मतलब कुछ ही नहीं, आपको बस याद करना है इनको। ठीक है, अगर मैं C0, C2, C4 इवन नंबर ऐड कर रहा हूँ या ऑड नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो इनका क्या आएगा, 2^(n-1) हो जाएगा। उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, 0 आएंगे अगर टर्म्स सेम होंगे। उसके बाद NC1, ठीक है ना, 1 × NC1, 2 × NC2, 3 × NC3, सो ऑन, n × NC3, तो इसका आंसर क्या होगा, 2^(n-1), मतलब देखो 1 × NC1, 2 × NC2, प्लस 3 × NC3, प्लस सो ऑन, n × NCn इज इक्वल टू क्या आएगा, n × 2^(n-1). क्लियर हुआ, समझ गया आप तक? ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाकी के नहीं करोगे तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, पर पहले चारों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बायनोमियल पे आता क्वेश्चन तो ये चारों में से रिजल्ट एक पूछा जा सकता है, अगर रिजल्ट पे क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, देखो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये नहीं कि देखो आप एग्जाम के लिए डायरेक्टली जा रहे हो तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो कम से कम आपके पास कुछ रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ ऑप्शंस हो सकता है, तो दुक्के मारने के लिए भी आपके पास अगर कुछ बैकअप रहेगा या बेस रहेगा तो भी सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो है सब देख के जाना अच्छे से। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक मिनिमम एक तो बता ही रहा हूँ, आपको ज्यादा ही आएंगे बट एक तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखो दो फॉर्मूला, एक NPR का और एक NCR का, ठीक है ना। ठीक है, जिसमें से एक को कॉम्बिनेशन बुलाते हैं, एक को परमुटेशन बुलाते हैं। अभी कौन सा कब यूज करना है, ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, कंफ्यूजन होता है। तो NPR का फॉर्मूला होता है n·r·, दैट इज अ परमुटेशन। परमुटेशन कब यूज करना है, देखो आपको सिलेक्शन भी करना है प्लस अरेंजमेंट भी करना है, सिलेक्शन में करना है, अरेंजमेंट में करना है। ठीक है, अरेंजमेंट भी करना, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ये दोनों करना है। गणेश ऐसा नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट रिजल्ट देख लेना। ठीक है, जब आपको सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, मतलब मान लो जैसे आप लोग 5 फ्रेंड किसी पार्क में चले जाते घूमने, तो आप एक सामने बेंच रखा हुआ है और बेंच पे मान लो 3 ही लोग बैठ सकते हैं, तो आप क्या करोगे, पहले 5 में से ये डिसाइड करोगे कि कौन से 3 लोग बैठेंगे, राइट, कि वहां पे 3 लोग कौन बैठेंगे, ये पहले डिसाइड होगा। अभी ये डिसाइड होने के बाद वापस ये डिसाइड होगा कि यार सेंटर में कौन बैठेगा, लेफ्ट में कौन बैठेगा, राइट में कौन बैठेगा। तो पहले 3 लोगों को चूज करना जो था, दैट इज योर सिलेक्शन, और उसके बाद राइट लेफ्ट एंड मिडल में जो पोजीशन हम चूज कर रहे थे, दैट वाज योर अरेंजमेंट्स। तो सिलेक्शन प्लस क्या हुआ, अरेंजमेंट हुआ, तो उसके लिए यूज करेंगे हम परमुटेशन। पर जब आपको बस सिलेक्शन करना, क्या करना है, सिलेक्शन ही करना। जैसे क्लास में 20 बच्चे और उन्होंने बोला कि हमें खो खो के लिए या कबड्डी के लिए 7 लोगों का टीम सेंड करना है। ठीक है, मतलब 7 लोगों को बस यहाँ पे क्या करना है, बच्चों चूज ही करना है। ठीक है ना, 7 लोगों को क्या करना है, बस सबको चूज करना है। तो यहाँ पे ये 7 लोग चूज करने के बाद उनको कहाँ बिठाना है एंड ऑल, ये सिलेक्ट मतलब ये नहीं आ रहा, तो इस केस में क्या आएगा, आपका फॉर कॉम्बिनेशन आएगा, NCr = n·r·, क्लियर हुआ, बस यही क्लास कहाँ पे चलेगा, जूम पे चलेगा। और उस केस पे आपको पहले जो रिकॉर्डिंग हो चुके हैं ऑलरेडी, जो डिटेल में सेशन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप वो एक बार वहां सेशन से पूरा थ्योरी पार्ट प्लस उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे गिवन है वो कर लोगे, तो आपका थ्योरी और प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ये लाइव सेशन में करवाया जाएगा। ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी भी ऐसे जैसे हम कवर करवा रहे हैं वो कवर करवाया जाएगा। कॉम्बिनेशन अभी जस्ट बताया मैंने फॉर्मूला में, ठीक है, उसमें 2-3 मेथड ये भी है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ मैं। अरेंजमेंट्स वाले जो क्वेश्चन है मैं एक्चुअली थ्योरी में इसमें कवर किया है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 करो जल्दी फास्ट, थ्योरी आपका हो चुका है अच्छे से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मैंने जब एक्चुअल लेक्चर्स दिए थे हमने, तो 3 दिया हुआ है उसमें थ्योरी।
और एक दो मतलब लाइक 10-15 मिनट का थ्योरी भी। ठीक है बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर विल बी फॉर्म बाय यूजिंग 01368 01368 कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जल्दी बोलो। जीरो वन थ्री सिक्स एट नंबर यूज करके कितने डिजिट के नंबर्स बनाए जा सकते हैं। 01368 देखो इसे करते हैं हम बॉक्स मेथड से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके लिए यूज करेंगे अपन बॉक्स मेथड। क्या यूज करेंगे बॉक्स मेथड तो देखो ध्यान दो बॉक्स मेथड कितने डिजिट चाहिए आपको फोर डिजिट नंबर। तो ये चार बॉक्स बना दिए हमने एक दो तीन चार सही है कितने बॉक्स बना दिए चार बॉक्स बना दिए क्लियर है। अभी क्या करेंगे देखो यहाँ पे पहले बॉक्स पे कितने पोजीशंस हो सकते हैं देखो जीरो तो नहीं आ सकता जीरो तो नहीं आ सकता क्या आ सकता है वन आ सकता है थ्री आ सकता है सिक्स एंड एट। तो चार लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं या चार लोग यहाँ पे हम लिख सकते हैं ठीक है ना चारों में से एक नंबर लिख सकते हैं। अभी सेकंड प्लेस में मान लो जिसमें से एक नंबर चला गया ऑलरेडी पोजिशन क्या कर ली ऑक्यूपाई कर ली तो बचे कितने लोग एक दो तीन चार तो सेकंड पोजिशन के लिए भी चार आएंगे ठीक है फिर नेक्स्ट पोजिशन के लिए तीन और नेक्स्ट पोजिशन के लिए कितना आएगा टू तो फोर फोर था सिक्सटीन फोर फोर था सिक्सटीन और सिक्स ओके वेरी गुड आंसर दैट्स 96 रुपीज गलत हुआ आपका ठीक है 96 आ जाएगा क्या जाएगा 96। बॉक्स मेथड का और एक वे देखो आप चार फ्रेंड ठीक है चार फ्रेंड को चार जगह बैठाने के वेज कितने हो सकते हैं जैसे मान लो एबीसीडी फ्रेंड है चार फ्रेंड है तो चारों में से पहले क्या होगा ये पहले पोजिशन के लिए झगड़ा होगा तो पहले पोजिशन के लिए लड़ कितने लोग रहे हैं चार लोग जिसमें से एक बैठ जाएगा तो सेकंड पोजिशन के लिए कितने लोग लड़ेंगे तीन लोग लड़ेंगे नेक्स्ट पोजीशन के लिए दो और लास्ट पोजीशन के लिए एक ये चीज होती है ठीक है। अभी देखो विदाउट रिपीटेशन बोला हुआ है यहाँ पे जब भी बाय डिफॉल्ट होता था विदाउट रिपीटेशन विद रिपीटेशन मतलब क्या हो जाएगा पहले पोजीशन पे कितने लोग आएंगे चार सेकंड पोजीशन पे पांच यहाँ पे भी पांच और यहाँ पे भी पांच तो दैट इज 125 इंटू 4 हो जाएगा तो दैट विल बी 500 वेज ठीक है विद रिपीटेशन कितने आएंगे 500 वही होगा ना 500 ही आएगा ना यस। उसके बाद हाउ मेनी इवन नंबर्स विल बी फॉर्म सेकंड क्वेश्चन जो है कितने नंबर्स इवन नंबर्स फॉर्म बनेंगे बताओ जल्दी से बॉक्स मेथड से बता दो जल्दी से। इवन नंबर मतलब क्या होता है एक दो तीन चार पोजीशन है राइट इवन नंबर मतलब लास्ट बॉक्स में क्या आएगा एक तो जीरो आएगा या सिक्स आएगा या एट आएगा बट ये जीरो वाला वापस प्रॉब्लम है ना कि जीरो लेंगे तो वापस पता नहीं पहले पोजिशन पे जाएगा कि नहीं तो हम दो केसेस बनाते हैं ठीक है ना इसको सीधा जीरो को रख देते हैं यहाँ पे कि लास्ट में जीरो आएगा भाई ठीक है ना और केसेस बोलते हैं इसको कि जीरो हमने क्या कर दिया लास्ट पोजीशन पे फिक्स ही कर दिया कि लास्ट में क्या आएगा जीरो आएगा तो ऑफकोर्स पहले पोजीशन के लिए चार लोग झपट रहे हैं ठीक है ना वहां पे चार लोगों का चल रहा है कॉम्पिटिशन सेकंड के लिए तीन लोगों का और यहाँ पे दो लोगों का यहाँ पे जीरो रखा मतलब एक ही पोजिशन हुआ तो ये क्या आया फोर फैक्टोरियल ठीक है ना फोर फैक्टोरियल पका होगा दैट इज 24 वेज हो जाएंगे ये सही है। अभी सेकंड केस क्या होगा आपका सेकंड केस क्या आएगा वापस लास्ट में जीरो नहीं आ रहा मतलब सिक्स या एट में से एक आएगा सिक्स में से एट में से एक आएगा वहां पे दो ऑप्शंस होंगे। अभी पहले पोजीशन पे देखो एट एक तो यहाँ पे चला गया है एक दो तीन चार पांच लोग है उसमें से एक चला गया तो चार बचे चार में से भी जीरो नहीं आ सकता यहाँ पे तो कितने बचे तीन वापस यहाँ पे चार और यहाँ पे तीन तो हो जाएगा आपका थ्री फोर जा ट्वेल्व और एट सिक्स तो ट्वेल्व सिक्स जा कितना आएगा 72 तो 24 प्लस 72 और भी जब आए देखो याद रखना जब भी एंड आता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है और होता है तो प्लस होता है ठीक है ना तो ये एड करके हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 96 तो किसका आया था आंसर एक्चुअली आपका आ गया था वेरी गुड बेटा 96 द राइट आंसर ठीक है 96 विल बी द राइट आंसर। देखो बच्चों सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आप इतने गलत कैसे कर रहे हो फिर सिंपल से क्वेश्चन को गलत क्यों कर रहे हो देखो पीएनसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आने वाले और देखो मैं एक बार आपको बस क्वेश्चंस का टाइप बताता हूँ इतना सब तो इसमें एक लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा बस मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ देख से देखो यहाँ पर मैंने 7,984 ओवल्स का बताया हुआ है ठीक है ये वाला भी बताया हुआ सिलेक्शन की कम से कम एक बॉय सिलेक्ट होना चाहिए ये सब क्वेश्चन अभी नेक्स्ट सेशन में कवर होंगे। जैसे कॉर्पोरेशन वर्ड का उन्होंने पूछा है कि ओवल साथ में होना चाहिए देखो अभी देखो ध्यान देना कितना हार्ड वर्ड है ये कॉर्पोरेशन उन्होंने बस लास्ट टाइम क्या पूछा था पता है क्या कोवैक्सीन पूछा था कि कोवैक्सीन में ओवल साथ होने मैंने ये प्रैक्टिस सेशन में लास्ट टाइम भी करवाया था ये सेम क्वेश्चन अभी जिसको कोवैक्सीन वर्ड आया होगा तो उसने आराम से करवाया होगा ठीक है ना तो ये इजी इजी वाले क्वेश्चन से
एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट उसके जैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? क्वेश्चन देख लेना आप एक बार। उसके बाद फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, ये वाला भी कोएफिशिएंट ऑफ जेड रेस टू 4, मतलब हर एक टॉपिक का कवर किया हुआ, सम ऑफ कोएफिशिएंट। ये लाइक ये सेम क्वेश्चन नीम सीटी में आ चुका है, नीम सीटी में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद ये वाला भी देखो, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स के अरेंजमेंट है, अलाइक वर्ड्स है उसमें, जैसे महाभारत में ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो कितने वर्ड्स होंगे, तो ये पूरा आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ठीक है? टुगेदर नॉट टुगेदर हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है ना? जैसे ए एंड बी ऑलवेज टुगेदर है, एंड सी एंड डी नेवर सेट टुगेदर, दो तीन टाइप है सर्कुलर अरेंजमेंट से कुछ, ठीक है? उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन जो सिंपल स्टार्टिंग में लिए थे इतने इजी नहीं आएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो लॉगरिथम का हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ, जो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाने वाले, ये वाला भी हुआ सेम इसके जैसे 2020 में आया था, जो हमारे टेस्ट सीरीज में सेम एज इट इज क्वेश्चन था, ठीक है ना? ये वाला भी था, देखो ये वाला। अब इसमें और भी क्वेश्चन ऐड होंगे, आई थिंक ये भी मैंने अच्छे खासे यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये बस खाली अलजेब्रा के क्वेश्चन है, तो अलजेब्रा पे इतने सारे क्वेश्चन हम क्लास में करवाने वाले, ठीक है? प्लस एक्स्ट्रा होंगे वो अलग से, ये वाला देखो अभी और खत्म ही नहीं हुआ, ठीक है? और इसमें और थोड़े क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन सारे एक टॉपिक पे ऐड करके वापस जो डाउट सेशन होगा टेस्ट सीरीज एंड ऑल खत्म ही नहीं हो रहा। ये तो इसमें पूरा मतलब जितने भी क्वेश्चन है, मुझे जो लग रहा है और भी उसमें मैं जब सेशन लूंगा एक्चुअली जूम पे, तो मैं खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन बना के ऑन द स्पॉट दे देता हूँ, वो क्वेश्चन इसमें एडेड नहीं है, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं उसमें अपने आप ऐड करके दे देता हूँ, ठीक है? तो आपका जो कोर्स है ड्रीम एमसी आपको यूज करना है, ठीक है? ऑलरेडी मैंने 2 दिन का टाइम दिया था, 17 तक का बोला था ऑफर, तो ये ऑफर आज रात तक रहेगा, और शायद से कल अगर बोला तो कल एक दिन के लिए मैं एक्सटेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा, बट आपको ये कि 1-2 दिन में मतलब आपको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कल का जो सेशन होगा इट विल बी ऑन जूम, ये यूट्यूब पे नहीं होगा, ठीक है ना? कल का सेशन जो होगा यूट्यूब पे नहीं होगा। रिग्रेशन एंड वो जो है ना डिस्पर्शन जो बात कर रहे हो ना श्रुति, बेटा 2020 में आए थे उसके ऊपर क्वेश्चन, रिग्रेशन पे एंड उस पर आए थे 2020 में आए थे, लास्ट ईयर नहीं था बिल्कुल कुछ, 21 में कुछ नहीं आया था। प्रॉब्लम ऐसा है ना 2020 में टोटल 7 क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, तो प्रॉब्लम बन गया था, बट लास्ट ईयर बिल्कुल कुछ नहीं आया था, ठीक है? गणेश न्यू बैच मतलब यही पुराना बैच है हमारे लास्ट ईयर के भी, मतलब रेगुलर बैच में 50 स्टूडेंट्स थे, कोर्स में ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स, तो ऐसे 250 स्टूडेंट्स और अभी जो ऐड होंगे, अभी उसमें से सब लोग लेक्चर्स नहीं करेंगे, ठीक है? रिवीजन बैच भी नहीं है, जिन्होंने 3000 का कोर्स परचेस किया, देखो ये कोर्स जिन्होंने परचेस किया हुआ है, वापस बता रहा हूँ, ये जो कोर्स जिन्होंने परचेस किया है उनके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री में ये रिविजन बैच रखा हुआ है, सो दैट उनको लाइव सेशन भी मिल पाएंगे, और सो दैट उनके कुछ डाउट्स होंगे या जो भी होगा वो लाइव में कवर कर पाएंगे, जब पूछ पाएंगे या कोई कंसेप्ट उनको अगर सेशन में नहीं समझा होगा तो यहाँ पे वो क्लियर कर पाएंगे। और ये बैच देखकर हमें कर आना होगा, यस बैच में ये देखो ना ऑलरेडी हमारा जो कोर्स है ना बेटा उसमें ऑलरेडी सब कुछ मटेरियल एडेड है, देखो इसमें पूरा कवर किया हुआ है ना, बस यहाँ से क्या करना है, देखो वापस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, देखो हमारा जो कोर्स कंटेंट में जा रहा है कंटेंट स्टोर में पूरा वहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में, अभी ये पीएनसी की जो बात करवा रही थी यहाँ पे पीएनसी मैंने बस अभी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन दिखा है, उसमें टाइम लगेगा ऑफकोर्स, बट एक मिनट देखो एक मिनट देखो ये कंटेंट है, तो कंटेंट में अगर आप जा रहे हो तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 131 लेक्चर एडेड है, मैथ्स का अगर आप अलजेब्रा देख रहे हो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 6 देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने अलजेब्रा का 8 नंबर का लेक्चर देख रहा है क्या, यहाँ से मैंने किया है स्टार्ट, तो एक 8 से 11 तक बस मैंने क्या करवाया था पीएनसी करवाया था लास्ट में, तो 4 लेक्चर पीएनसी और ऑलमोस्ट देखो हर एक लेक्चर 1 आवर का मिनिमम, तो 4 घंटे में हमने पीएनसी पूरा करवाया, तो उसमें तो बहुत सारा हमने थ्योरी और सब कवर करवाया, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है हमारा, ठीक है ना? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं समृद्धि सिलेबस में ट्रेडियोमेट्री एक्चुअल 3-3 से 4 पकड़ के चल सकते हैं आपको, क्योंकि थ्रेडियोमेट्री बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, सर्कल आएगा, लाइन आएगा उसमें,
उसके बाद पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला. हाइपरबोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और पैराबोला एंड इलिप्स इंपॉर्टेंट है उसमें. सर्कल भी इंपॉर्टेंट है, सर्कल के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, तो ये आपको करके जाना पड़ेगा. ठीक है, ये पूरा इसमें कवर करवाया. देखो नीचे ये सेट्स रिलेशंस के क्वेश्चंस है, मेंसुरेशन है उसमें, तो आपको बस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवानी है. ठीक है ना, देखो ऑलमोस्ट मैथ्स के 51 लेक्चर से पूरा मैथ्स कवर करवाया इसमें. प्रोबेबिलिटी का भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लिया हो, एक भी लेक्चर नहीं बचा हो. प्लस देखो रीजनिंग में भी, अगर आप जितने भी टॉपिक्स देखते हो ना रीजनिंग का, देखो रीजनिंग का ऑलरेडी मैंने बताया ये कि रीजनिंग में कुछ फिक्स नहीं है, रीजनिंग में कुछ फिक्स नहीं है कि क्या पूछ सकते हैं. तो लेक्चर देखो, ब्लड रिलेशन हुआ, सेटिंग अरेंजमेंट हुआ, उसके बाद ये कोडिंग डी कोडिंग सिलोगिज्म, उसके बाद सिलोगिज्म की प्रैक्टिस इतने सारी करवाई, रैंकिंग का हो गया, डाटा सफिशियंसी हो गया. ठीक है, उसके बाद एनालॉजी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, पजल हो गया, पजल भी पूरा कवर करवाया. जितना भी बैंकिंग का पजल है ना, पूरा का पूरा कवर करवाया हमने. जितने भी केसेस होते हैं ना पजल में, पूरे प्लेन नहीं होता है भाई, आंचल प्लेन नहीं है बेटा सिलेबस में. शैडो केस एंड डिस्टेंस, मिसिंग टर्म्स पे लास्ट टाइम 3-4 क्वेश्चन आए थे, और उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स भी बीच में कवर करवाए, बिकॉज छोटे छोटे तो उसका अलग से नाम नहीं आया हुआ, तो पूरा रीजनिंग भी कवर करवाया हुआ है. तो आपको इसके बाहर का कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, और भी कोई डाउट है किसी को? एनीवन? चलो ठीक है, तो ये कोर्स है, बाद में इसका प्राइस 6000 में ही लेना पड़ेगा आपको. यस रुपेश, ऑफकोर्स कोर्स वालों के अवेलेबल है, बिकॉज देखो ऑलरेडी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, अभी कल से भी वो स्टूडेंट बैठ गए. मैंने परसों कुछ नंबर दिखाया था, मैं कुछ नंबर कम था, ऑलमोस्ट दो दिन में देखो 15-20 नंबर ऑल बढ़ गया कल से. ठीक है ना, तो 267 स्टूडेंट इस साल इससे ही पढ़ रहे, देखो कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज से जो पढ़ रहे हैं अलग से. ठीक है, क्योंकि इतना देखो फाइनली ये कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो आपको कोर्स कंटेंट भी आपका. रुपेश टेस्ट सीरीज के लिए बेटा हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंटेंट दिया है ना, आप 300 में सोचो ना क्या क्या. आपको 2500 मॉक टेस्ट मिल रहा बेटा, उसका 25 मॉक टेस्ट है, प्लस उसके ऊपर हमने 60 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है. ये तो हमने कंप्लीट कोर्स वालों को भी दिया है, पर 300 के प्राइस में बहुत ज्यादा कंटेंट ऑलरेडी दे चुके हैं. और डाउट सेशन भी आपका होगा ना, आपको अगर डाउट्स होंगे तो उसके लिए लाइव सेशन हम कंडक्ट करेंगे, उसका टेंशन मत लो. ठीक है ना, आप जब भी डाउट्स है मुझे पिन कर दो, हम लाइव सेशन कंडक्ट कर लेंगे उसका. ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे. कल से जूम पे होगा सेशंस. ठीक है, जिनको परचेस करना है यू कैन डायरेक्टली परचेस फ्रॉम द ऐप, क्यू स्टडी ऐप, वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो. ये वेब पे भी ओपन होता है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो. चलो थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट एवरीवन.